अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। आपने अभी थंबनेल पे देखा कि हाउस ड्राइवर की कमी क्यों हो गई है, हाउस ड्राइवर का काम आखिर सऊदी अरब में कम क्यों हो गया है। तो जानते हैं इस पर, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है जो कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। और आप लोग हमेशा बोलते हो, जावेद भाई क्या सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में जाना सही रहेगा, क्या हाउस ड्राइवर की लाइफ सही है, क्या हाउस ड्राइवर की जॉब मिल जाती है आसानी से। तो इस पर पूरी बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, छोटा सा बात करूँगा आपके साथ में। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा उर्दू न्यूज़ की। ये अपडेट ज़रूरी थी, खास के इसीलिए मैंने एक छोटा सा पार्ट वीडियो शूट कर दिया, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देश में फैमिली ड्राइवरों की संख्या में गिरावट आई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं रिपीट कर दूँ, लगभग 2017 में कानून पास किया गया था। इसके बाद से सऊदी अरब के अंदर में सऊदी की महिलाएं, सऊदी की औरत, सऊदी की वाइफ, बेटी, रिश्तेदार, उसकी उनकी जो भी लेडीज हैं, चाहे काम करने वाली ही क्यों ना हो, अगर काम करने वाली का भी अगर कफील उसका लाइसेंस बना देता है, तो सऊदी की महिलाएं जो है कार ड्राइविंग कर सकती, मतलब शुरू हो चुका था 2017 से। तो 2017 से 18, 19, 20, 21 आ गया। तो मैं भी 2017 में जब मैं सऊदी में दम्माम के अलहसा एरिया में रहता था, तो वहाँ पर मेरा जस्ट उस टाइम में था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि शुरू शुरू में यार मेरा कफिल भी बोलता देखना कुछ दिन का ड्राइवरों की संख्या कम हो जाएगी। तो हम लोग ने उसको मजाक में लिया था, सीरियस में नहीं आए थे। लेकिन फिर मैं 2020 में आपको सऊदी में ही था, 19 में गया था, फिर देखा कि बहुत सारी लेडीज़ें गाड़ी चलाने लगी धीरे धीरे। अब तो खैर लेडीज़ ऐसा सा गाड़ी चला रही थी, अभी ये मोबाइल जेब में रख लेता हूँ, ऐसा सा गाड़ी चला रही जो गाड़ी हमने कभी देखा भी नहीं था वहाँ पर। तो सऊदी अरब में अब हाउस ड्राइवर का काम क्यों कम हो गया, कम होने का रीज़न ये है कि लेडीज़ जो है गाड़ी चलाने लग गई। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक घर है, जैसे मान लो कि ये पीछे एक घर है या एक घर है, इस घर में एक ड्राइवर होना लाजमी है 100%, ताकि वो बच्चों को स्कूल ले जाए, ट्यूशन ले जाए, मैडम को मॉल ले जाए, कोई भी काम से हॉस्पिटल ले जाए, इस तरीके से। लेकिन घर की लेडीज़ को ही जब गाड़ी चलाने आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो ड्राइवर क्यों रखेगी, क्योंकि दिन भर में खाना पकाने का तो काम वाली करने वाली रहती है सऊदी अरब में, काम वाली खाना पका लेती है, थोड़ा बहुत काम मैडम कर लेती है, इसके बाद उनके पास टाइम तो बचता ही बचता है। तो वो लोग अपना स्कूल से बच्चों को ले आए, हॉस्पिटल ले जाना हॉस्पिटल ले गई। तो ऐसे करके हाउस ड्राइवर अभी पता है ज़्यादातर कहाँ पर ज़रूरी होते हैं। जैसे मान लो कोई कफील है, उनकी मैडम गाड़ी नहीं चलाती है, बिल्कुल उनको चलाने का मन नहीं है, उन डरती है, तो ही वो हाउस ड्राइवर बुलाते हैं। तो हाउस ड्राइवर की जॉब जो है लगभग बात करें 2017 से लेके अब तक 200,000, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, 200,000 से भी ज़्यादा लोगों का जॉब चला गया, समझ रहे हो, 200,000 कम नहीं होता है। 200,000 आदमी अगर हाउस ड्राइवर का काम करते थे, फैमिली ड्राइवर का काम करते थे, तो एक आदमी का सैलरी ज़्यादा 200,000 छोड़ो यार, 200,000 में आप सैलरी 1,000 रियाल ही पकड़ लो, तो 1,000 रियाल को अगर गुना भाग जोड़ जो करना है करके दिखा दो 200,000 से, तो कितना का फ़ायदा हो गया सऊदी अरब को, बताना कमेंट करके जोड़ करके, मैं इतना गुना भाग नहीं करूँगा। तो सोचो इतना पैसा उनका बचा, इनके पास माइंड बहुत है भाई सऊदी वाले के पास, इतना पैसा उन्होंने बचा लिया, हाउस ड्राइवर की जॉब की सैलरी बचा ली, उतना पैसा देश में ही रह गया, जिस वजह से सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की कमी आ गई। और अभी भी जितने ड्राइवर हैं वो समझ लो उनको मजबूरी है ड्राइवर रखना, तभी वो ड्राइवर रखे हैं, वरना उनको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो भी बूढ़े लोग होते हैं ना, माँ बाप होते हैं सऊदी के, माँ बाप लोग होते हैं, तो वो लोग अपने मतलब माँ बाप के लिए ड्राइवर रख देते हैं कि मेरे मम्मी पापा को वहाँ ले जाना अगर उनके घर में आदमी नहीं हो। तो सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की कमी सच में बहुत आ गई है। इसी तरीके से बहुत सारे देशों में, सभी गल्फ देशों में हाउस ड्राइवर की कमी आ गई है। सिर्फ ड्राइवर की कमी नहीं आई है, कोई भी काम ले लो आप, अच्छा से अच्छा काम पर भी अब सऊदी लोग ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब का नया विजन है 2030, जिसको लेकर के ये लोग अब सऊदी अरब से लगभग हर गैर मुल्की को बाहर निकालने पर लगे हैं, जिसके लेकर के सऊदी अरब में ड्राइवर की कमी आ चुकी है, और ये कमी जारी रहेगा। अभी और भी लोगों का ड्राइवर का नौकरी जाने वाला है। और बस ये सोच लो, हमारे बहुत सारे भाई जो ड्राइवर का काम करते हैं, वीडियो बनाने का मेन मतलब मेरा ये था कि आप लोग अभी जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं से रह करके अपने इंडिया में कोई शटल का वाला काम कर लीजिए, आगे बढ़ने के लिए शटल करने के लिए कोई ऐसा काम कर लीजिए जहाँ आने के बाद आपको कोई नौकरी ढूंढनी नहीं पड़े। यहाँ पर भी आप टैक्सी वगैरह चलाओगे तो वो इनकम नहीं है, आप सिर्फ एक दिन का पेट भर सकते हो, बाकी सोचोगे कि लाइफ है टैक्सी का या अपना गाड़ी खरीद के हम चला लेंगे। बोलने में आसान है, करने में उतना ईजी नहीं है, सिर्फ बोल सकते हो, वहाँ बैठे हुए रहे तो बस बोल सकते हो, यहाँ पर करने में ईजी नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी अभी भी गाड़ी चल रही है मेरी, लेकिन मैं कोई हवाई नहीं लेता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि
ये टैक्सी का चक्कर बहुत टेंशन है, आप खुद से चलाओगे, जहां 2000 कमाना है वहां 1000 आप जरूर कमा लोगे, लेकिन सुकून से नहीं रह पाओगे। तो अपनी लाइफ सेट करना आपको बहुत जरूरी है। सऊदी में रह करके भी आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जैसे कि टेक चैनल मैंने बनाया, आप लोग वहीं रह करके सीख सकते हो, या आपको भी कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा ऐसा कर लो जो आने के बाद आपका यहाँ सेटल हो जाए। लेकिन आप सोचोगे कि वहीं रह करके, हम सऊदी में रह के हम कुछ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, वहाँ से पैसा लेके आते हैं इंडिया, लेके आने के बाद यहाँ पर हम काम कर लेंगे, बना लेंगे, तो आते आते ही आपका पैसा घूमते घूमते में ही ख़त्म हो जाता है, और आपकी लाइफ का जो मेन असली पैसा जो आपने जोड़ा है वो पैसा आपका हाथ से निकल जाता है। अब आप लोग एक बात तक जरूर जिक्र करोगे, जावेद भाई बहुत सारे लोग तो कोरोना में गए तो वापस ही नहीं आए। वापस क्यों नहीं आए? जिनको जरूरत था उनको, उनके कफील ने उनका निकामा वीजा फ्री में बढ़ा दिया, एक्सटेंड करवा दिया, वो आ भी गए। जिनको जरूरी नहीं था उनको उन्होंने पूछा भी नहीं, उनका वीजा निकामा एक्सपायर हो गया और उनका छुट्टी भी ख़त्म हो गया, जिस वजह से वो, मतलब सीधा सीधी बात है कि उनका कफील उनको बुलाना नहीं चाहता तो बढ़ाएंगे क्यों, बस उनको जरूरत नहीं था इसलिए नहीं बुलाया, हो गया काम ख़त्म। समझ रहे हो ना आप? तो वीडियो बनाने का मेरा मतलब था, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल बनाने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार इंडिया में रह करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहेंगे तो, ठीक है। मैं खुद ऑनलाइन काम करता हूँ, आप भी काम कर सकते हैं, आप अपने, आप बहुत कुछ कर सकते हो इंडिया में रह करके, बस आप ये है ना कि सब्र नहीं रखते हो। सब्र रखोगे तो अल्लाह ताला हर चीज़ का साथ देता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और हाउस ड्राइवर की लाइफ कैसी थी, कैसी है, नहीं है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। और मैं खुद एक हाउस ड्राइवर वहाँ टैक्सी ड्राइवर से, कार ड्राइवर से, फैमिली ड्राइवर से, आज देखो मैं एक कहाँ हूँ, मैं अपने घर पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बन सकते हो ऐसे।